वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। जो लोग जैज कैश ऐप का इस्तेमाल करते हैं, अब ये ऐप पहले से भी बेहतर। अगर आपने ये एप्लीकेशन अभी तक यूज नहीं की है तो इसके फीचर्स बहुत ही यूजर फ्रेंडली हैं। और नए यूजर्स के लिए खुशखबरी ये है कि आप अकाउंट बनाए बगैर गेस्ट मोड पे पहले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो फीचर्स आपको पसंद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ा अहम है कि इनको आप ट्राई जरूर करें, क्योंकि जिंदगी में हम सब बेहतरी की उम्मीद करते हैं। खास तौर पे अब जैज कैश जो आपका मोबाइल वॉलेट है आपके लिए आसानी लेके आता है किसी भी चीज की पेमेंट करने के लिए। तो जब इसके फीचर्स ज्यादा फ्रेंडली होंगे तो अब आप बहुत सारी चीजें इसके थ्रू कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपने इसकी कम्युनिकेशन और एड्स तो देखे ही होंगे, जिसमें अगर आप मेरी तरह डिटेल ओरिएंटेड हैं, आपकी खास पसंद नापसंद होती है और आपको चीजें अपने मुताबिक चाहिए होती हैं, सो दिस ऐप इज डेफिनेटली फॉर यू, सो डू चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आज बात करेंगे एक खास इशू के हवाले से, और ये इशू है मिरर राइटिंग का। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब नए नए हम अल्फाबेट्स लिखवाना, नंबर्स लिखवाना शुरू करते हैं तो वो उसको ट्रेस कर रहे होते हैं या देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप बच्चे को इस बात पर डांट नहीं सकते कि उसने गलत शक्ल या गलत तरीके से ए बी सी बनाया है, क्योंकि वो बनाता बिल्कुल सही है लेकिन वो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सही शक्ल को एक मिरर के सामने रख दिया गया हो, यानी उल्टा उसका एक मिरर इमेज आ रहा होता है, जिस तरह आईने में वो हर्फ या वो अल्फाबेट दिखाई देता है। आपके सामने इस वक्त ये इमेजेस नजर आ रहे हैं और इस पे हम बात करते हैं, लेकिन मुझे भी कहा जा रहा है इसके लिए हमने जिस एक्सपर्ट से बात करी थी उनसे हमारा कनेक्शन अभी हो रहा है। जरा चलते हैं सोशल मीडिया के एक इशू की तरफ। सोशल मीडिया में जी रूल्स रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल कंटेंट रूल्स 21 को फौरी तौर पर बता दिया गया है, और इसके मुताबिक अथॉरिटी शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब फ्लो और डिसमिनेशन ऑफ एनी ऑनलाइन कॉन्टेंट अनलेस इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द रीजन एज प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 371 द एक्ट इज सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या रिकमेंडेशन है आइए हम जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसामा खिलजी। अस्सलाम वालेकुम उसामा। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके कुछ आर्टिकल्स भी इस हवाले से हमने देखे। उसामा, सबसे पहले बताइएगा ये नए रूल्स या सजेस्टेड रूल्स जो हैं, इसका क्या असर पड़ सकता है, इसका अहाता क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए अभी तो ये गजेट हो गए हैं तो अजम्पशन यही है कि ये इसी तरह इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। और इसमें बुनियादी तौर पे ये जो है हुकूमत ने कवायद बनाए हैं, और इसमें कहा है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर जो है इन कवायद को इम्प्लीमेंट करना होगा सोशल मीडिया कंपनीज, ठीक है। और ये कवायद जो बनाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, इस पे जो है अगर इंस्ट्रक्शन जाएगी सोशल मीडिया कंपनी को पीटीए की तरफ से और कहा जाएगा कि इस मवाद को हटाया जाए तो उनपे लाजिम है कि वो हटाए। लेकिन अगर कंपनियां ये मवाद सही, उसामा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इस तरह की कोशिशें पहले भी की गई थी कि मवाद को हटाने के लिए एक रास्ता हमवार हो और इनसे बकायदा गुफ्तगू हो। उसमें मसला ये आता है कि जिन सोशल मीडिया फोरम्स की हम बात कर रहे हैं उनकी बकायदा रिप्रेजेंटेशन या ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, ना हमारे पास फेसबुक का ऑफिस है, ना ट्विटर का, ना यूट्यूब का, ना हमारा इनके साथ कोई मुआहदा हुआ है। सऊदी अरब या दूसरे ममालिक की अगर बात की जाए, वो इस किस्म की रिक्वेस्ट अगर भेजते हैं तो बाकायदा ऑफिशियल से बात की जा सकती है। पाकिस्तान में अगर इन कवायद को, इन रूल्स को लागू किया जाएगा तो उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी? देखें सिद्रा, अगर आप सारे सोशल मीडिया कंपनीज की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स देखें तो गवर्नमेंट्स की ऑलरेडी रिक्वेस्ट उनके पास जाती है और कंप्लायंस भी होती है। फेसबुक के केस पे अप टू 70% कंप्लायंस है गवर्नमेंट रिक्वेस्ट से, तो ऑलरेडी इनकी कम्युनिकेशन है, इनके डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेट कंपनीज है इनको ये नहीं जरूरी कि हर मुल्क में इनका एक दफ्तर हो, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो हुकूमत की रहती है, जो रिक्वेस्ट है उन पे कंप्लायंस होती है। इसका मकसद ये है, अभी देखिए भारत में क्या हुआ था इस साल, ट्विटर के ऑफिस पे भारतीय पुलिस ने रेड किया, अरेस्ट किया उनके ऑफिसर्स को, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ गवर्नमेंट के हेट स्पीच की पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया था। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि सारी दुनिया में हुकूमतें कोशिश करें कि सोशल मीडिया कंपनीज पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जाए ताकि उनकी मर्जी की सेंसरशिप सोशल मीडिया पर हो। बिल्कुल सही, यही हम पाकिस्तान में अभी देख रहे हैं।
अच्छा मुझे ये बताएगा, जैसे आपने भारत का एग्जांपल दिया, भारत में तो इस तरह के कई एग्जांपल्स हमें मिल रहे हैं वेयर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि एवरीबडी टोज द सेम यू नो द सेम नैरेटिव, और जो नहीं करता ऐसा लगता है कि उसके लिए प्यूनिटिव एक्शंस या उसको पनिशमेंट्स भी दी जाती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इसमें कुछ हमें मस्बत चीजें भी नजर आती हैं, जहां हमने देखा कि हेट स्पीच है, या पाकिस्तान में पोलियो मुहिम को अगर नुकसान पहुंचाने के लिए उसके हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन की जितनी साइट्स थी, द लास्ट रिपोर्टेड नंबर वो तकरीबन 7,000 से ज्यादा इस तरह के अकाउंट्स और साइट्स को बंद किया गया हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे। लेकिन इसमें एक इल्जाम उसामा ये आता है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज अपनी मर्जी के नैरेटिव पे आपका साथ देती हैं, और जहां आपके साथ वो अग्री नहीं करती, यानी मिसाल के तौर पे हमारे माशरे, हमारी माशरती अकदार या फिर हुकूमत की जिस बात से वो अग्री नहीं करती उसमें सपोर्ट नहीं देती, और यहां तक कि उनका एक बहुत बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी भी माशरे की, पाकिस्तान जैसे एक मुल्क की सियासत पे और उसकी यू नो दूसरी समाजी इश्यूज के ऊपर, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के मुताबिक बनाए गए वो पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं। लेकिन आप सही कह रही हैं कि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसमें कुछ गैप्स है। मिसाल के तौर पे हुकूमत को कहना चाहिए सारी कंपनियों को कि आप लोकल लैंग्वेज मॉडरेटर ज्यादा थे, तो उर्दू के जो बोलने वाले मॉडरेटर को जो उनके पास रिपोर्ट आए तो वो मवाद हटाए। और दूसरा इसमें मसला ये होता है कि अक्सर इम्प्लीमेंटेशन कॉन्टेक्स्ट का जो आपने कहा उन्हें समझ नहीं आता, तो पाकिस्तानी मॉडरेटर्स हो जिन्हें कॉन्टेक्स्ट का मालूम हो और उसको इम्प्लीमेंट करें, बजाय ये कि हुकूमती वफ्द जो है बैठे हो यहाँ पे, वो जो है अभी 40 मिलियन यूजर्स का कॉन्टेंट किस तरह अच्छा है वो नहीं जानते। ये कैपेबिलिटीज कंपनी के पास, तो उसके मुताबिक फिर कॉन्टेंट मॉडरेट। इसके अलावा फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर हुकूमत कहती है कि अच्छा हम पे ये तनकीद हो रही है इस पोस्ट को हटाओ, तो वो तो ऑब्वियसली कोई कंपनी नहीं हटाएगी। लेकिन हमने रिक्वेस्ट देखी है कि इस किस्म की रिक्वेस्ट जाती है हुकूमत की तरफ से कि ये सहाफी या ये एक्टिविस्ट पाकिस्तान की हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं, इसको आप हटा। तो इस किस्म की चीजें तो फिर नहीं चाहिए। अच्छा, तनकीद में वाकई वजन होना चाहिए, वेल रिसर्च एनालिसिस होना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव व्यू के तौर पर इसको प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम ये भी देखते हैं सामा, आई वुड लव योर कमेंट ऑन दिस, कि हमने देखा कि विसल ब्लोअर्स फ्रॉम फेसबुक कम ऑन बोर्ड और वो बड़ी एक सनसरी खेज बातें करते हैं जब बताया जाता है कि इन्हीं कम्युनिटी रूल्स के साथ खुद फेसबुक और इस तरह की बड़ी कंपनीज अबाइड नहीं कर रही और वो मुनाफे को तरजीह दे रही हैं। इसके बाद हमने फौरी तौर पर देखा कि फेसबुक के स्टॉक्स गिरते हैं और 48 आवर्स के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया भर में एक आउटेज होती है। इसमें एक नया सवाल खड़ा हुआ, लोगों ने कहा कि जब हम इंटरनेट फॉर ऑल की और एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फेसबुक भी अपने कॉम्पिटिशन को बाय आउट कर लेता है। व्हाट्सएप वॉज नेवर ओरिजिनली देयर ओन प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम वॉज नेवर देयर, और सब ये जो कंग्लोमरेशन हो रही है, जिस तरह वो पूरा हावी होने की और एक बड़ा चंक हासिल करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज एक्चुअली टेकिंग अवे द डेमोक्रेटिक इक्वालिटी एंड यू नो द इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया स्पेस। इसको आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, इस कॉन्वर्जेशन को? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिबेट ग्लोबली चल रही है, और इसमें जो अमेरिका में जो फेडरल कमीशन है कॉम्पिटिशन का, वो भी बिग टेक कंपनीज को बहुत गौर से देखती है। उनके जो रिसेंट एक कमिश्नर अपॉइंट हुई है लीना खान, जो पाकिस्तानी ओरिजिन की है, उनका यही मौकफ है कि सोशल मीडिया कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं और इनको कट टू साइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये कंट्रोल से ज्यादा हो रही है, मोनोपोली इनकी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि सोशल मीडिया सार्फीन जो है उनके लिए एक तरफ से जो है कंपनियां हैं जो अपने मुनाफे की वजह से जो है अपनी पॉलिसीज जो है सही नहीं रखती, लेकिन दूसरी तरफ पे हुकूमतें हैं जो अपने मौकफ चाहती हैं कि उन्हीं की पसंद का नैरेटिव सोशल मीडिया पे हो, और दरमियान में हमारे जो है सिटीजन जो हमारे सोशल मीडिया यूजर्स है वो फंस गए। तो उसमें जो है यही देखना है कि आप कंपटीशन को जो है कंट्रोल में रखें, ये ना हो कि एक ही कंपनी के कंट्रोल में सारा सोशल मीडिया आ जाए, जो हम फेसबुक के केस में देखते हैं। इसके अलावा अभी टिकटॉक बहुत बड़ा कंपेटिटर आया फेसबुक का, लेकिन अभी हमने देखा है इंडिया में भी वो बैन हो गया, पाकिस्तान में भी वो बैन हो गया, वो एक चाइनीज कंपनी है, उस वजह से और मुल्कों में भी उस पर दबाव आ गया। फिर हम देखते हैं एक कंपेटिटर है ट्विटर, जो साइज में छोटा है लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वो ज्यादा
अक्सर जी देता है। तो सारे सोशल मीडिया जो फेसबुक वाले डाउन हो गए थे, लोग ट्विटर को। आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आपने भारत की मिसाल दी, पाकिस्तान की मिसाल दी, पाकिस्तान में ये नए रूल्स हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दोनों मुमालिक में, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो शायद इसकी वजह से तो नहीं ज्यादा सोशल मीडिया नैरेटिव और ट्रेंड्स के ऊपर नोटिस किया जा रहा कि इससे आने वाले इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, लोगों की जहन साजी कैसे होगी, वो पोलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये जंग असल में इस बारे में तो नहीं? एक बहुत अहम सवाल है सदरा। मेरे ख्याल से हर इलेक्शन जो अगले साल अगले टर्म में होता रहता है उसमें सोशल मीडिया का किरदार ज्यादा बड़ा नजर होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसमें हम यही देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलते हैं, कैंपेन्स चलती हैं और नैरेटिव शेप होते हैं। सही। लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शन में और मसाइल भी है। अगर महंगाई इतनी ज्यादा होगी तो सोशल मीडिया पे लोग उसी पे बात करेंगे, और अगर और कोई मसाइल होगी सोशल मीडिया पे लोग उसी का बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया एक रिफ्लेक्शन ही है कि सोसाइटी क्या सोच रही है। तो ऑब्वियसली बात है, जो हुकूमत वक्त होगी या पॉलिटिकल पार्टीज होगी वो सोशल मीडिया पे इसको कंट्रोल करने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। रूल जो है इलेक्शन से डीपर जा रहे। बिल्कुल सही, और ट्रायल एंड एरर है जी, पार्लियामेंटेरियंस का काम ही है इस तरह के रूल्स को सजेस्ट करना है, नए कानून बनाना, और यकीनन इसमें अवाम की एक राय भी मौजूद होगी। इस पे हमने गुफ्तगू की, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। जो लर्निंग डिसेबिलिटी और रादर डिफिकल्ट जिक्र किया उस पर भी बात करनी बहुत अहम है, उसके लिए हमारे साथ फरा आफ़ताब मौजूद होंगी। और जानते हैं अगर आपके बच्चे को भी मिरर राइटिंग आप नोटिस कर रहे हैं कि वो करता है तो क्या ये कंसर्न होने वाली बात है, और इसके लिए क्या किसी लर्निंग एक्सपर्ट से फौरी तौर पर रुजू किया जाए या नहीं। ऑल ऑफ दैट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।